हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। माय नेम इज आयुषी मित्तल और एक बार फिर हम आप सभी के सामने आ चुके हैं हफ्ते भर की एंटरटेनमेंट से जुड़ी मजेदार गॉसिप्स लेके और मजेदार न्यूज लेके जो ट्रेंड करती रही लास्ट वीक। तो भाई अब आपको बता दें कि शादी का जो माहौल है, शादी का जो खुमार है, वो बॉलीवुड पर भी छाया हुआ है। एक के बाद एक ऐसी किसी सेलिब्रिटी की न्यूज आती जा रही है जो बंध रहे हैं शादी के बंधन में। अभी हम कुछ दिन पहले ही बड़ी एक्साइटेड थे मोनी रॉय की शादी को लेके, लेकिन उनके ही पीछे पीछे एक और गुड न्यूज भी आ गई। जी हाँ, एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ऑल्सो टाइड नॉट विद हर लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विद हर लॉन्ग टाइम बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड वरुण बांगेरा। उनकी वेडिंग पिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वैसे तो करिश्मा तन्ना ने अपने डी डे से हम सभी को रखा काफी अपडेटेड, और रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी जहां पे उनकी फर्स्ट रसोई की क्लिप नजर आई। जी हाँ, एक्ट्रेस ने दीवाने अपने हबी के लिए बनाई केसर वाली खीर। आप अपने हबी के लिए केसर वाली खीर बनाना चाहेंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ऋतिक रोशन की जिंदगी में किसी और ने ले ली है एंट्री? क्या ऋतिक रोशन को हो चुका है एक बार फिर से प्यार? जी हाँ, यही सवाल आजकल सबके मन में बसा हुआ है कि आखिर इंडिया के अपने ग्रीक गॉड लुक्स वाले जो एक्टर हैं, इनके हाथों में हाथ आखिर ये एक्ट्रेस है कौन? पूरी खबर आपको हम जरा अभी बता देते हैं कि एक कैफे के बाहर ऋतिक रोशन को स्पॉट किया गया हाथों में हाथ लिए एक लड़की के साथ। वैसे तो लड़की का चेहरा मास्क से ढका हुआ था, तो सब लोग ये पड़ताल करने में लग गए कि आखिर ये नई लड़की है कौन। जी हाँ, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस सभा आजाद है। जी हाँ, ये वही सभा आजाद है जिनको आपने दिल कबड्डी मूवी में जरूर देखा होगा। और एक बात हम आपको जरूर बता दें कि सभा और ऋतिक के बीच लगभग 16 साल की उम्र का फासला है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये किस तरह का फियर होता है जहां हमें ये टेंशन सताने लगती है कि कहीं हम दुनिया की नजरों में गायब तो नहीं होते जा रहे। वैसे ये बुखार अभी कुछ दिनों पहले यानी 4 फरवरी को चढ़ा था नोरा फतेही के फैंस पर। जी नहीं, उनके फैंस नहीं गायब हुए बल्कि सेलिब्रिटी खुद ही इंस्टाग्राम से गायब नजर आई। जी हाँ, जब एक सुबह सुबह उनके फैंस ने अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी के हालचाल जानने की कोशिश करी तो उन्होंने पाया कि इंस्टाग्राम पर नोरा फतेही का अकाउंट शो ही नहीं हो रहा है। तो बस लग गई सोशल मीडिया पर भगदड़। सबको लगा कि शायद नोरा ने अपना अकाउंट डिलीट या फिर डीएक्टिवेट कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पेकुलेशन थी जो हमें न्यूज ट्रेंड पे दिखाई दी, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो नोरा ने खुद ही बताया है कि उनके अकाउंट पर एक्चुअली हैकर्स का हमला हुआ था, जिसकी वजह से उनका अकाउंट जो है वो कुछ देर के लिए शट डाउन हो गया था। बट थैंकफुली इंस्टाग्राम ने उनकी ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी रिजॉल्व कर ली, और अब अगर आप नोरा फतेही को फाइंड करेंगे तो वो आपको इंस्टाग्राम पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये थी तीन बड़ी खबर जो इस हफ्ते इंटरनेट पे करती रही ट्रेंड और हमें देती रही हमारी वायरल एंटरटेनमेंट न्यूज। आपको ये सारी न्यूज कैसी लगी हम सबको जरूर बताइएगा, और साथ ही कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या कोई वायरल न्यूज है जो मैंने कर दी मिस। Press the bell icon to never miss a video from One World News.